कल हम लोगों ने बात करी थी क्वांटाइजेशन यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में और कूलम्स लॉ के बारे में। आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ा इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ने वाले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब भी बच्चों 3D यानी 3 डायमेंशनल वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको रिलैक्स होकर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, दैट्स इट। कैसे लगाते वो समझाने के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे, कल जो लेक्चर हम लोगों ने बात करी है उसमें हम लोगों ने फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा था और दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग डायरेक्शन होगी, या तो वो टूवर्ड्स दी चार्जेस होंगे या अवे फ्रॉम दी चार्जेस होने वाले। चलिए, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। तो आज हम बात करने वाले बहुत बेसिक सी बातें, पॉइंट नंबर वन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि मान लो देर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और इनके बीच का सेपरेशन है R, ठीक है। अब हम पूछे कि इनमें से किसी भी एक चार्ज पे फोर्स कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा F12 का मैग्नीट्यूड जो होगा ना भाई वो होगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बच्चों ध्यान से सुनना, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। क्या जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है, उन दो चार्जेस के बीच का प्रोडक्ट और उनके बीच का सेपरेशन, बस। अब हमसे बोला गया कि इनके बीच में एक और चार्ज हमने रख दिया, मान लो यहां पे रख दिया Q3। अब जैसे इन दोनों के बीच में Q3 चार्ज रखा तो हमसे बोला गया Q1 Q2 के फोर्स पे क्या फर्क पड़ा, Q1 Q2 के फोर्स पे क्या फर्क पड़ा। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर Q1 Q2 का फोर्स यानी F12 की बात करेंगे हम या F21 के बारे में बात करेंगे, जो कि हम कल प्रूव कर चुके हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है और केवल दो चीजों पे डिपेंड करता है, उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है और उनके बीच का सेपरेशन कितना है। अब एक बात बताइए बच्चों, Q3 अगर इनके बीच में आ भी गया तो क्या Q3 के आने से Q1 पे कोई चेंज आया क्या, नहीं। Q1 का मैग्नीट्यूड अगर 2 माइक्रोकुलाम है तो वो अभी भी 2 माइक्रोकुलाम रहने वाला है। Q2 का मैग्नीट्यूड अगर 3 माइक्रोकुलाम है तो वो अभी भी 3 माइक्रोकुलाम रहने वाला है, यानी Q3 के आने से Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, क्या Q1 Q2 के बीच का सेपरेशन चेंज हुआ है क्या, आंसर है नहीं, वो अभी भी r दूरी पर रखे हुए हैं। तो क्या इनके बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, आंसर है नहीं। तो आपको क्या याद रखना है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज, यानी इस चार्ज को रखे या ना रखे इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर फिर इसके रखने से कुछ तो हुआ होगा ना, बिल्कुल है बच्चे, इसके रखने से या तो Q1 पे या Q2 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। अब सर ये मतलब नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं कैसे, देखो समझने की कोशिश करना बच्चों। पहले एक बच्चा था वो मुझ पे फोर्स लगा रहा था, ठीक है, अभी भी अगर वो बच्चे का सेपरेशन सेम है, उसका मैग्नीट्यूड मेरा मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो मेरे पे हमेशा 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मान लो ये 5 न्यूटन का फोर्स आ गया, मान लेते हैं ये 5 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन इसके आने से अब ये सेपरेशन मान लो बच्चों R1, तो ये भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, ये भी Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q1 इस पे भी फोर्स लगाएगा, Q2 इस पे भी फोर्स लगाएगा, यानी थर्ड चार्ज के आने से Q1 या Q2 या किसी भी कोई भी चार्ज पर नेट फोर्स चेंज हो जाता है। अब एक बार बताइए Q1 पे अब कौन कौन फोर्स लगाएंगे, लगाओ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, Q1 पे सर Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q1 पे Q2 भी फोर्स लगाएगा, तो Q1 का नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, F नेट चेंज हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है बच्चों कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्जेस, पहली बात। फिर उसके थर्ड चार्ज के रखने से क्या हुआ, किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब Q1 और Q2 था तो फोर्स कौन लगा रहा था, Q1 पे Q2 लगा रहा था, Q2 पे Q1 लगा रहा था, लेकिन अब Q3 भी आ गया तो Q1 पे Q3 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, तो Q1 का नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया क्या बच्चों, परफेक्ट। अब
बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं एक बात और बताता हूँ बच्चों, एक बार AIEEE एग्जाम्स में पूछा गया था कि टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी आर की वैल्यू 1 मीटर। उन्होंने बोला फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन देम, फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन देम। ध्यान रखना मिनिमम फोर्स पूछा है, फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन देम। चलिए अब आप अपना आंसर बताइए कि इनके बीच में मिनिमम फोर्स कितना होने वाला है। चलिए गाइस, हाँ वेरी गुड, के क्यू वन क्यू टू बाय 1 का स्क्वायर। सभी बच्चों का आंसर यही है, लेकिन हाँ वेरी गुड, गलती यही तो करते हो ना बच्चों। कल हमने क्या बोला था, कल हमने बोला था ये आंसर गलत है, कल हमने बोला था कि सबसे छोटा चार्ज बोलो कितना होता है, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है। तो मिनिमम फोर्स के लिए दोनों चार्ज मिनिमम, यानी सर Q1 पे भी जो नेट चार्ज है वो E रहेगा, Q2 पे भी जो नेट चार्ज है वो E रहेगा। तो फॉर्मूला राइट आंसर क्या होगा, के Q1 की वैल्यू भी E, Q2 की वैल्यू भी E डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, यानी KE² इज द राइट आंसर। तो ये याद भी कर लो, दो चार्जेस अरे 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए, तो सबसे मिनिमम फोर्स यही होने वाला है KE², याद कर लेना बच्चों। AIEEE में पूछा गया था तो क्वेश्चन का कुछ तो लेवल होगा ना, कुछ तो स्टैंडर्ड रखा हुआ होगा उन लोगों ने। बोलो समझ में आया क्या? तो यहां से 2 पॉइंट याद हो गए हम लोगों को, मिनिमम फोर्स KE² रहेगा अगर दो चार्जेस 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड चार्जेस, लेकिन उस थर्ड चार्ज के प्रेजेंस होने से किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बेटे ध्यान से सुनना, 3 नंबर का प्रूफ आता है एज इट इज आता है CBSE में, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और इसको यूज करने वेक्टर फॉर्म, और इसको यूज करने के लिए याद करना कि सर कहां इसका यूज करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा, वो भी चीज समझाता हूं। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे ना बच्चे, फाइंड फोर्स ऑन 3 कुलाम एट 1, 2, 3 ड्यू टू 5 कुलाम एट 2, 4, 6। देखिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना आपको कहीं पर भी दिखाई दे, तो आपको समझ में आना कि ये भैया 3 डायमेंशन में आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट भी गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट भी गिवन है, और जेड कोऑर्डिनेट भी गिवन है। तो यहां पर हम सिंपल KQ1 Q2 R² वाला फॉर्मूला नहीं लगाने वाले, पहली बात। तो जैसे ही 3D क्वेश्चंस का तुम्हें आइडिया लगेगा, तुम्हारा दिमाग दौड़ना चाहिए कि सर ने बोला था यहां तो प्योर वेक्टर्स फॉर्म में बात करेंगे। अब उसको कैसे सोल्व करने हैं वो मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों, मेरी बात समझना, ये क्या गिवन है, ये व्हाट आर दिस, ये तो सर 3 कुलाम जो भी कोई एक चार्ज है, मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो ये 1, 2, 3 क्या गिवन है सर, 1, 2, 3 जो है ना, हाँ परफेक्ट, उसकी पोजिशन गिवन है सर। सिमिलरली 5 कुलाम की भी पोजिशन गिवन है, यानी अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाऊं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, देखना ध्यान से एक बारी, ये मैंने एक्स बनाया, ये मैंने वाई बनाया, अब मैंने क्या किया कि मुझे Q1, बच्चे प्लीज पे अटेंशन, दिस इज Q1 और यहां कहीं पे मान लेते हैं Q2, ये ओरिजिन है। अच्छा अब आपकी जितनी भी पोजिशंस डिफाइन करेंगे ना वो ओरिजिन से डिफाइन करेंगे, तो हमें Q1 की पोजिशन गिवन है, ये रहा Q1, ये हमारे पास R1 पोजीशन वेक्टर है, R1 क्या है पोजीशन वेक्टर, किसका Q1 का। चलिए अब यहां से ये हमारे पास R2 पोजीशन वेक्टर आ गया बच्चों, R2 क्या है बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, तो लिख लेते हैं R1 क्या है, R1 इज नथिंग बट PV लिखूंगा बच्चों, PV का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। सिमिलरली R2 भी क्या गिवन है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अब हमें तो याद है ना बच्चों Q1 और Q2 जो भी इन दोनों पे फोर्स लगाएगा, ध्यान से सुनना, वो हमेशा इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस के अलोंग ही लगने वाला है, यानी लाइन तो ये रहेगी सर, देखना बच्चों ध्यान से, जो फोर्स लगेगा ना Q1 Q2 पे लगाए या Q2 Q1 पे लगाए, दोनों का नेचर सेम हो या डिफरेंट हो, फोर्स तो केवल और केवल इस डायरेक्शन के अलोंग लगने वाला है बस।
अच्छा ये डायरेक्शन क्या लॉन्ग लगने वाला, तो इनके बीच का जो ये सेपरेशन है ना बच्चों, इसको मैंने आर वेक्टर मान लिया। ध्यान से सुनना, आर वेक्टर इज व्हाट? आर वेक्टर इज सेपरेशन बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू। अब बहुत यहां पे बच्चों का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देखना, बच्चे यहां पर क्या दिक्कत करते हैं कि सर जो ये आर वेक्टर है ना, इसका हेड किधर रखूं? हो सकता है, ध्यान से सुनना, एक बच्चा बोले ऐसे रख सकता हूं क्या मैं, यानी टूवर्ड्स क्यू टू। एक बच्चा बोला सर ऐसे रख सकता हूं क्या मैं, टूवर्ड्स क्यू वन। तरीका तो सेम है, बट आपको क्या याद रखना है, ये जो आर वेक्टर है ना, इसका हेड हमेशा उस पर होगा जिस पर आप फोर्स निकालना है, जिस पर फोर्स निकालना चाहते हो। अगर Q2 पर निकालना चाहते हो तो Q2 की तरफ होने वाला है, Q1 पे निकालना चाहते हो तो Q1 की तरफ होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं, इनको याद रखना वरना क्वेश्चन नहीं होने वाले, क्योंकि पोजिशन वैक्टर निकालते हुए ना डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट वैक्टर बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर निकालते हुए हम दिक्कत कर जाएंगे। इसलिए याद क्या रखना है कि जो आर वेक्टर हेड इज टूवर्ड्स दैट चार्ज ऑन विच वी आर गोइंग टू फाइंड द फोर्स, जिस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है ना, उसकी तरफ होने वाला है। अब ध्यान से सुनना, मान लो हम Q2 पे निकालना चाहते हैं, अब Q2 पे निकालना चाहते हैं, Q2 पर मान लो दोनों का नेचर पॉजिटिव है, तो Q2 पर निकालेंगे तो क्या करेगा बच्चों, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, यानी ये इस पे एक फोर्स लगाने वाला है इस डायरेक्शन में, हाउ मच F21। अब देखो ध्यान से, अब ये ट्राइंगल देखना बच्चों, इस ट्राइंगल का नाम दे दू ओ ए बी। अगर इस ट्रायंगल को मैं आराम से बनाऊं, बहुत प्यार से बनाने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से देखना, ये R1 और R का वेक्टर हेड इधर चला जाएगा, ये हमारे पास R वेक्टर और ये हमारे पास आ गया R2 वेक्टर। ध्यान से देखो, अरे ये तो सर ट्रायंगल लो जैसा लगा। अब ट्रायंगल लो आपको आना चाहिए, ट्रायंगल लो क्या कहता है बच्चों, याद करो, ए वेक्टर B वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू R वेक्टर, होता था ना ये। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब ये बना है आपका A वेक्टर के पैरेलल, क्योंकि A वेक्टर ये रहा, यहां से स्टार्ट हुआ तो ये बना B वेक्टर, और ये कौन बना बच्चों, R वेक्टर। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। ये बताइए जल्दी समझ में आया क्या ये लिखने का तरीका, जल्दी बताओ। हां दोबारा सुनिए, ओके ओके, मैंने बोला देखिए ये ट्रायंगल समझ में आएगा, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या ये ट्रायंगल समझ में आया? हां, अब इस ट्रायंगल को मैं अगर ध्यान से बनाऊं तो मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से बच्चों, यहां से ओ ए बी, मैंने O से A बनाया ये वाला वेक्टर, O से A, ये रहा, दिस वन इज योर R1 वेक्टर। A से B बनाया मैंने R वेक्टर, A से B बनाया मैंने R वेक्टर, और O से B बनाया मैंने R2 वेक्टर। देखो ध्यान से देखो, अब याद करो जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते थे बच्चों, ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ते थे, ध्यान से सुनना, A वेक्टर, अब प्लीज पे अटेंशन, ये उसका टेल, ये उसका हेड, फिर यहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करते थे हम बी वेक्टर, और यहां से इसकी टेल से इसके हेड को ज्वाइन करते थे, ये बना हमारा आर वेक्टर, लिखते थे ना बच्चों ऐसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। बोलो जल्दी बोलो, ये समझ में आया क्या जो हम लोगों ने इलेवंथ में पढ़ा? वेरी गुड, चलिए अब ध्यान से सुनो, हाँ वेरी गुड, अब इधर देखो, ए वेक्टर की टेल से हेड, यानी ये टेल ये हेड, तो ये बना हमारा ए वेक्टर। फिर बी वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर की हेड से लेके, ए वेक्टर की हेड से लेके ये बना हमारा आर वेक्टर, क्या बना यहां पे बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये बना हमारा आर वेक्टर। तो मैंने क्या लिखा, आर वन वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर,
यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो मैंने ये लिख दिया आर वन वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर। जल्दी बताइए ये समझ में आया क्या? अब हमें निकाल, हाँ अब हमें गीवन क्या है बच्चों, हमें गीवन है पोजीशन वेक्टर आर वन और आर टू, हमें क्या नहीं पता, हमें सर आर वेक्टर नहीं पता। तो अब हमें आर वेक्टर नहीं पता, तो यहां से आर वेक्टर क्या आ गया बच्चे, देखना ध्यान से, आर वेक्टर इज नथिंग बट आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। बोलो समझ में आया बच्चों? और आर वेक्टर को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतना बताओ, इतना समझ में आया तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं। अब दो मिनट के लिए अपना है ना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे बढ़ेंगे। जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब हमें क्या समझ में आया बच्चों कि r वेक्टर को हम लिख सकते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। चलिए अब हमें फोर्स किस पे निकालना था, q2 पे, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो बच्चे फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, फोर्स इन वेक्टर क्वांटिटी k q1 q2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना, अब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और r कैप, ये आ गया हमारा फोर्स इन वेक्टर। लेकिन अब इसको थोड़ा और हमें अच्छे से करना है, क्योंकि हमें r2 r1 यानी पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में अपना आंसर लेके आना है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना बच्चों, याद करो हम लोगों ने इलेवेंथ में क्या बोला था, a वेक्टर दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू यूनिट वेक्टर, लिखते थे ना बच्चों, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर ये भी हमारा यूनिट वेक्टर है, ये किसका यूनिट वेक्टर है, आर वेक्टर का। अब देखो आर वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर को लिखने का तरीका देखिए, हमें लिखना है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को बोलो या यहां से बोलो, ए कैप को क्या लिखूंगा मैं, ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सही है ना बच्चों, ए कैप, सॉरी ए कैप। सिमिलरली यहां से आर कैप क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, आर कैप इज नथिंग बट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये हो गया। अब आर वेक्टर बताओ क्या है, सर आर वेक्टर कुछ भी नहीं, आर टू माइनस आर वन है, तो आर कैप को क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो समझ में आया क्या बच्चों, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, चलिए अब वेरी गुड, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए, तो देखिए एफ का फॉर्मूला क्या आया बच्चों, एफ का फॉर्मूला क्या बना, के एज इट इज क्यू वन क्यू टू। चलिए अब आर कैप की वैल्यू ये रख दो, आर कैप की वैल्यू देखना क्या आया, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब नीचे कौन है, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी इस आर को भी मैं क्या लिख सकता हूं, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बहुत बेसिक सी चीजें देखो, ऊपर तो एज इट इज लिख दो, के क्यू वन क्यू टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, नीचे देखो आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन का भी स्क्वायर और आर टू माइनस आर वन, तो यहां पे नीचे क्या बचेगा बच्चों, आर टू माइनस आर वन की पावर थ्री, ये हमारा आ गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की एप्लीकेशन बताऊंगा, पहले ये बताइए अगर प्रूफ आ जाता है सीबीएसई में तो क्या आप लोग कैपेबल हो इसको एज इट इज तीन नंबर में उतारने के लिए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, और ये फॉर्मूला अब याद करना है, हाँ आप सुनो, इसमें दो चीजें जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है, सुनना ध्यान से, सबसे पहले तो फॉर्मूला, फॉर्मूला जल्दी वो पीछे पीछे बोलोगे आप लोग क्या है, के क्यू वन क्यू टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, नीचे आ जाएगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर थ्री,
और इस टर्म्स में अगर लिखना चाहे इस टर्म्स में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इस टर्म्स में भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। अब बच्चों यहां से ना जो दो छोटी छोटी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात याद रखनी है, वो क्या बात याद रखनी है वो समझना कि Q1 Q2 को विद साइन पुट करेंगे, लिख लेना इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल आएगा वी हैव टू पुट Q1 Q2 विद साइन, यानी जो ये Q1 Q2 है ना, Q1 Q2, Q1 एंड Q2 को हम विद साइन रखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, आर वेक्टर का हेड, आर वेक्टर का हेड उस तरफ होने वाला है जिस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, जिस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, देखो सुनो ध्यान से, ये टू कूलाम रखा हुआ है बच्चों, मान लो इसका पोजीशन है आपके पास क्या माने 1.2 मान लेते हैं, ठीक है, ये थ्री कूलाम है बच्चों आपके पास और इसका पोजिशन मान लेते हैं हम लोग चलो ये मान लेते हैं 2.4 मान लिया, हमें क्या मतलब, अब आप ये बताओ, आप ये बताइए कि किस पे निकालना चाहते हो, ए पे निकालना चाहते हो या बी पे निकालना चाहते हो, फोर्स, फोर्स किस पे निकालना चाहते हो, बी पे निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, हाँ बहुत सुंदर, अच्छा चलो इसको माइनस ले लेता हूं, वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा आपका, है ना, एक प्लस का ले लिया एक मैंने माइनस का ले लिया, अब मेरी बात समझना, हमसे क्या बोला गया है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए हमें तो, लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें इनकी पोजीशन गिवन है। अब लिखने का तरीका देखना बच्चों, पोजीशन को मैं 1.2 को क्या लिख सकता हूं, 1.2 को लिख सकता हूं i कैप प्लस 2j कैप, पहले ये बताओ ये लिख सकता हूं क्या मैं, क्योंकि ये हमारे पास r1 वेक्टर बना, बोलो बोलो सभी बच्चे बोलेंगे बच्चों, क्योंकि x में हमें, हाँ x में हमें 1 चलना पड़ेगा और y में हमें 2 चलना पड़ेगा, तो r1 की वैल्यू ये आ गई। अब r2 की वैल्यू देखें, r2 की वैल्यू क्या आई बच्चों, जल्दी बोलेंगे 2i कैप प्लस, बहुत बढ़िया बच्चों, अब सर ने क्या बोला था, r वेक्टर का हेड उसकी तरफ होना चाहिए जिस पर आपको फोर्स निकालना है, आपने बोला माइनस थ्री कूलाम पे निकालना है, ए तो ये हमारा r वेक्टर बना बच्चों। अब r वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो 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 r वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, r वेक्टर का फॉर्मूला लिखा था r2 माइनस r1 लिखा था ना, तो अब ये मेरा r2 बना, ये मेरा r1 बना, I को I में से माइनस करो, J को J में से माइनस करो, K को K में से माइनस करो, तो R वेक्टर कितना बना बच्चों, ध्यान से देखना 2 माइनस 1 फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए हेड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अगर आपने हेड इधर लेके आ गए ना तो ये फाइनल बन जाएगा, ये इनिशियल बन जाएगा, यानी माइनस का गड़बड़ आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं कि हेड हमेशा उसकी तरफ रखना जिसपे आपको फोर्स निकालना है, तो 2 माइनस 1 1 i कैप, 4 माइनस 2 प्लस 2 j कैप, लो जी ये हमारे पास कौन बना बच्चों, r वेक्टर। अब ये बताओ क्या मुझे r वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है निकालना, बिल्कुल आता है सर, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों, अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट कितना बच्चों 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी r वेक्टर कितना बना बच्चों, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बना √5। बोलो यहां तक समझ में आया, अरे सभी बच्चे बोलेंगे बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, काम खत्म। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब बोलो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू q 2, k की वैल्यू k रहने दो, अब विद साइन रखना है, विद साइन यानी 2 कूलाम इंटू माइनस थ्री कूलाम रख दिया। अब देखो r2 माइनस r1 वेक्टर कितना है बच्चों, जल्दी बोलो r2 माइनस r1 वेक्टर कितना है बच्चों, ये रहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, आई कैप प्लस 2j कैप, नीचे बताओ कितना है, नीचे है सर r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड कितना है √5, और √5 की क्या है पावर 3, लो जी आंसर आ गया फटाक से √5 की पावर 3। अब तुझे और अच्छा और सुंदर बनाना है इस डायग्राम, तो देख क्या लिखेंगे बच्चों, k 2 into 3 6, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस i माइनस 2j
लो भैया रूट फाइव की पावर थ्री एंड दिस इज योर आंसर। बोलो समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो ताली बजानी चाहिए। चलो और थोड़ा टिपिकल सा दे देते हैं, है ना। तो हमने बोला मान लो क्यू वन की वैल्यू है 1 coulomb और इसकी पोजीशन है 1.2.3 और क्यू टू है हमारे पास 2 coulomb, माइनस प्लस छोड़ो प्लस प्लस रहने देते हैं, और ये आया 3.4.5। हमसे बोला गया फाइंड फोर्स ऑन 2 coulomb ड्यू टू 1 coulomb। बोलो स्टेप नंबर वन, हेड बताइए किसकी तरफ होना चाहिए। सभी बच्चे बोलेंगे भाई हेड किसकी तरफ होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटे रिया यादव, वेरी गुड। तो Q2 की तरफ हो गया हमारा। अच्छा अच्छा ओके ओके वंशिका, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब ये आपके पास हो गया R वेक्टर। अब R वेक्टर निकालेंगे कैसे? R वेक्टर निकालेंगे सर फाइनल माइनस इनिशियल। जल्दी बोलो कितना लिखेंगे? 3-1 2i कैप, 4-2 2j कैप, सॉरी प्लस 2j कैप, 5-3 2k कैप। अरे वाह आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, जल्दी जल्दी निकालो बच्चों। मैग्नीट्यूड आ गया सर कितना आया जल्दी बोलो? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया भैया, जो भी आ गया अब कर लो यार अपने आप। बताइए ये निकालना आया क्या? सभी बच्चे बोलेंगे बच्चों पक्का। अब एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए ठीक है ठीक है। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, वो होमवर्क क्वेश्चन आपका होना चाहिए और वो थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं। लीजिए कल वाला हुआ नहीं, चलो कल वाला भी डिस्कस करेंगे। अभी आज वाला होमवर्क क्वेश्चन ले लो पहले। आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, दिल खुश हो जाएगा आपको देख के। चलिए हमें एक क्यूब ले ली, क्यूब अच्छा रिया यादव है नहीं, कोई नहीं। लो दिस इज अ क्यूब, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। और क्यूब की जो साइड लेंथ है वो 1 meter की मान ली हम लोगों ने, 1 meter। ये हमारा ओरिजिन मान लिया 0.0.0, ठीक है ओके जी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ए, मतलब ये ओरिजिन को मैंने ए मान लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने सी मान लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने डी मान लिया। दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। चलिए सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्या आप इनको कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो क्या? देखो अब मैं लिखने की तरीका सिखाता हूं। जो ये सीधी लाइन आएगी ना, ये सीधी लाइन, इसका मतलब आप एक्स एक्सिस में चल रहे हो। जो ये लंबी वर्टिकल लाइन आएगा, इसका मतलब आप वाई एक्सिस में चल रहे हो। और जो ये ऐसी लाइन दिखाई देगी आपका, इसका मतलब आप जेड एक्सिस में चल रहे हो। ध्यान से सुनना, आप बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। बी के कोऑर्डिनेट्स सर, बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें केवल केवल एक्स में चलना पड़ेगा, यानी 1.0.0। बोलो इतना समझ में आया? अब हमसे बोला गया सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो सी तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से चलेंगे बच्चों, तो एक्स में चले वाई में चले, यानी 1.1.0। कोई मेरे से पूछे एफ के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो एफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है, एक्स में भी चले वाई में भी चले जेड में भी चले, तो एक्स के कोऑर्डिनेट, एफ के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों? 1.1.1। अभी आपको ना सबके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि आपको सबकी पोजिशंस पता लग गई। अब हमसे अगर कोई पूछे, ध्यान से सुनना, कि आपको फोर्स कैलकुलेट करना है हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पे विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ध्यान से देखना, अगर हमसे पूछा गया फाइंड, एक करके दिखाता हूं, फाइंड फोर्स ऑन एफ ड्यू टू ए, और सभी कोऑर्डिनेट्स पे क्यू चार्ज मान लो बच्चों, क्यू 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 चार्ज मान लिया हम लोगों ने। चलिए अच्छा क्वेश्चन बनाया थ्री डायमेंशन का। जब भी थ्री डी की बात आएगी तो आपको केवल वेक्टर्स पे जाना है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें ए और एफ के बीच में फोर्स निकालना है।
तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, यस सर 0, 0, 0। हमें एफ के कोऑर्डिनेट्स पता है, यस सर 1, 1, 1। हमें किस पे निकालना है, एफ पे निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो वही यहां से ये वेक्टर हेड लगा दो, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो पोजिशन वेक्टर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ना इसके रेस्पेक्ट में बी पे भी निकालना है, सी पे भी निकालना है, डी पे भी निकालना है, ई पे भी निकालना है, एफ पे भी निकालना है और एच पे भी निकालना है। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, सभी बच्चे बोलेंगे। चलिए अब ये, हाँ ये क्वेश्चन है। और जो हाँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हर एक पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है। अब नहीं नहीं करके देखो, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डम्बो अगर अभी नहीं पढ़ा तो जीवन में कभी नहीं कर पाएगी, फिर डरती रहेगी वेक्टर फॉर्म से। चलिए अब हम कल वाला होमवर्क क्वेश्चन एक बार याद करते हैं और फिर आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। जल्दी जल्दी देखेंगे, अब 2 से 3 मिनट का ही टाइम रह गया। चलिए देखिए, आज क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि यहां ओरिजिन था, यहां पे 1 कूलाम रखा हुआ था, यहां से 1 मीटर पे 1 कूलाम रखा हुआ था, फिर 1 मीटर के गैप के बाद हमारे पास 8 कूलाम रखा हुआ था, और फिर यहां पर 27 कूलाम रखा हुआ था, और ऐसे करते 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 10 मीटर पर हमारे पास 1000 कूलाम रखा हुआ था। हमें समझ में आया ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो हमने कुछ देखना ध्यान से, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगा। हाँ बस, वेरी गुड अन्नू, वेरी गुड, परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट। अब देखो ये 1 कूलाम, ये 1 कूलाम, सभी चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं, तो इस पे निकालना है। तो ये इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में। 8 कूलाम भी क्या करेगा, धक्का मारेगा इसी डायरेक्शन में। 27 कूलाम भी क्या करेगा, धक्का मारेगा इसी डायरेक्शन में। यानी एक चीज हमें समझ में आ गई कि सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, एक ही सेम नहीं मतलब डायरेक्शन सेम है, तो हम इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे। पहली बात तो ये आना चाहिए। अब इन दो के बीच में फोर्स निकालो। देखो जल्दी फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, के Q1 की वैल्यू भी 1, Q2 की वैल्यू भी 1, और इनके बीच का सेपरेशन भी 1, तो 1 × 1 × 1 का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला बना, फोर्स बना के, और किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में। चलिए अब इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स निकालो बच्चों। तो देखो F की वैल्यू क्या है, के 1 × 1 × 8/2 का स्क्वायर। ध्यान देखना बच्चों, 2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 ने 8 को 2 से मार, तो ये आया 2k। चलिए अब इधर देखिए, इनके बीच में फोर्स निकालो बच्चों, के 1 × 27/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चे, 9, 9 ने 27 को 3 पे मारा, तो ये फोर्स कितना बना, 3k। अगला फोर्स बताओ कितना बनने वाला है, 4k, 5k, 6, हाँ बहुत। तो ये तो एक सीरीज बन गई ना मेरे पास। एफ नेट देखो, सभी एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, के प्लस 2k प्लस 3k प्लस अप टू 10k, है ना। तो k कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 up to 10। बोलो फॉर्मूला क्या है, n × n + 1/2, याद है कुछ, अरे कोई नहीं, अब पता लग गया ना n की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये बनेगा 55k, आंसर आ गया। बोलो समझ में आया, चलिए चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी मेल व्हाट्सएप करने वाला हूँ, 3D के क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। और टिल देन की वॉचिंग वीडियोस, की मोटिवेटिंग अस। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।